अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मटन मंदी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चावल जो कि 500 ग्राम है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसमें पानी डालकर भीगने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह से मंदी स्पाइस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 लौंग, 2 जावित्री के फूल, आधा जायफल, ये देखिए आधा जायफल, हरी इलायची 10 से 12, 2 बड़ी इलायची, जीरा 2 टीस्पून, 2 से 3 दालचीनी और 3 टीस्पून धनिया साबुत या पाउडर जो भी अवेलेबल हो। अब हम सारे स्पाइसेस को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। अगर आपकी दालचीनी इस तरह से बड़े बड़े हो तो ध्यान रखिएगा इसके इस तरह से पीसेस करके ही डालिए ताकि हमारी मशीन खराब ना हो। तो सारे स्पाइसेस को हम इस जार में डाल देंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मंदी स्पाइस रेडी है। इस तरह से हमें सारे स्पाइसेस का पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम्स बोनलेस मटन के पीसेस लिए हैं। आप इस तरह से इसमें कट लगा लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मंदी स्पाइस 1.5 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक। अब इसे अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स कर लीजिए और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। तो 1 आवर के बाद अब हम पैन या फिर कुकर को हीट कर लेंगे। उसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी, 1/2 कप कुकिंग या ऑलिव ऑयल, यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज और इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें डालिए 2 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च क्रश की हुई, इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब डालिए इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और इसे 30 सेकेंड्स तक सौते कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक या सॉल्ट अपने अकॉर्डिंगली डालिए, 1 टीस्पून मंदी स्पाइस जो हमने अभी बनाकर रेडी कर लिया है और 1/2 टीस्पून सौंठ या जिंजर पाउडर, ये देखिए, और 2 से 3 बे लीव्स। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड मटन पीसेस और थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। तो मटन को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी और मटन को गलने के लिए 6 to 8 विजिल्स तक रख देंगे। चलिए मंदी की गार्निशिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए चाहिए हमें 1/2 कप किशमिश और 1/2 कप बादाम जो हमें इस तरह बीच से स्लिप कर लेना है और चाहिए हमें 2 कप्स बारीक कटी हुई प्याज। अब हम सारी चीज़ों को एक के बाद एक करके फ्राई कर लेंगे। पैन ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और बादामों को हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। इसे चलाते रहिए। तो ये देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बादाम, इसे निकाल लेते हैं। फ्लेम को लो कर दीजिए और इसमें किशमिश भी फ्राई कर लीजिए। अब हम सेम पैन में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे प्याज को तलने के लिए। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे और इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज भी बिल्कुल रेडी है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हमारे तीनों गार्निशिंग इंग्रेडिएंट्स रेडी है, तली हुई प्याज, किशमिश और बादाम। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए मटन भी चेक कर लेते हैं। इसके 6 से 8 विसल्स हो चुके हैं।
देखिए मटन गल के बिल्कुल रेडी है। अब सारे मटन पीसेस को हम सेपरेट कर लेंगे स्टॉक से, इस तरह से। अब हम इस मटन स्टॉक में चावलों को पका लेंगे। इसमें डाल दीजिए भीगे हुए चावल और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं चावलों को डालने से पहले। थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और ढककर इसे मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। अब हम सेम पैन में मटन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। तो ये देखिए एक साइड से हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो मटन पीसेस गोल्डन ब्राउन होकर रेडी है, इसे निकाल लीजिए। चलिए अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है, एक बार इसे जेंटली मिक्स कर लीजिए। और अब हम इस ड्राई लेमन को फेंक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे और 5 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए राइस बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे मटन पीसेस को रख देंगे और इसे स्मोक फ्लेवर दे देंगे। एक चारकोल ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी डाल के इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स तक। अब हम मटन मंदी को सर्व कर लेंगे। राइस के ऊपर मटन पीसेस रख दीजिए, फ्राई किए हुए बादाम, किशमिश और तली हुई प्याज को भी इस पे गार्निश कर दीजिए। तो लग रही है ना बिल्कुल मज़ेदार मंदी, तो चटनी के बगैर बिल्कुल अधूरी लगती है। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।